विश्वामित्र जी ने उनका नामकरण किया था, इन्हें कुमार कार्तिक के कहते हैं। छह मुख इसलिए बनाए कि छह कृतियां कहती है मैं दूध पिलाऊंगी, दूसरी कहती है मैं दूध पिलाऊंगी इन्हें, तो छह देवियां कहती हम दूध पिलाएंगी। तो तब इस शिव पुत्र ने अपने छह मुख बना लिए सबकी इच्छा पूर्ण करने के लिए, तो इनका नाम षडानन भी हुआ। माता गायत्री ने इनको शास्त्र और शस्त्र की विद्या दी। फिर कुछ देवताओं को साथ लेकर के इन्होंने तारकासुर नाम का जो राक्षस था, तारकासुर, उसका वध किया और त्रिलोकी में जय जयकार होने लगी। बोलिए कार्तिक भगवान की, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, हरि राम हरि राम 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 हरि हरि, हरि राम हरि जो कल्याण स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। माता पार्वती का अर्थ है भक्ति और बुद्धि। मंगल स्वरूप गणेश जी ज्ञान स्वरूप है। और खट संपत्ति मानो एक कार्तक के है। खट संपत्ति शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा और समाधान। तारकासुर अज्ञान का प्रतीक है और कार्तक के ज्ञान का स्वरूप है। जब तक जीवन में ज्ञान नहीं आता तब तक तारकासुर अज्ञान का नाश नहीं होता। तो इनको स्कंद भी कहते हैं, कार्तक के जी को। तो स्कंद कुमार भगवान भोलेनाथ के